आज हम बनाना सीखेंगे कागज की थैली, जिसका हम बहुत प्रकार से उपयोग कर सकते हैं और आपको भी मजा आएगा बनाने में। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें आवश्यकता होगी कागज, स्केल, चिपकाने के लिए गोंद, कैंची, पेंसिल और डोरी। तो चलिए हम इन बाकी की चीजों को हटा देते हैं और शुरुआत करते हैं कागज की थैली बनाने के लिए। इसके लिए हमने ये कागज लिया हुआ है, जिसके लंबाई वाले भाग पर हम 2 इंच का एक मोड लगाने वाले हैं, जिसके लिए हम पेंसिल के सहायता से निशान बनाएंगे। इस प्रकार हमें स्केल और पेंसिल की मदद से 2 इंच पर निशान लगाना है। उसके बाद दूसरी ओर हमें लगभग 1 इंच का निशान लगाना है। देखिए, इस प्रकार हमें लंबाई वाले भाग की ओर से उसे 2 इंच मोड़ना है। इस प्रकार हम कागज को मोड़ेंगे। अब चौड़ाई वाले भाग की ओर से हम 1 इंच का मोड़ लगाएंगे। मोड़ को हमें अच्छी तरह दबा लेना है, जिसके कारण चिपकाने में हमें आसानी हो। इस प्रकार हमने इसे अच्छी तरह से दबा दिया है और इसी कागज को हमें 2 भागों में मोड़कर विभाजित करना है। देखिए, हमने इस प्रकार ये कागज 2 भागों में विभाजित कर दिया है। यहाँ जो मोड़ आया हुआ है उसे अच्छी तरह से हम दबा देंगे, जिसके कारण हमारा कागज अच्छी तरह 2 भागों में विभाजित हो जाएगा। अब इस विभाजित पन्ने को हमें 4 भागों में विभाजित करना है। देखिए, इस प्रकार हमने दूसरी ओर से भी कागज को मोड़ देना है। अच्छी तरह से दबा लीजिए। अब देखिए, हमारा यह जो कागज है यह 4 भागों में पुनर्विभाजित हो गया है। अब हमें आखिरी दोनों ओर के भागों से 1 इंच दाएं और 1 इंच बाएं रेखा खींचनी है। देखिए, हम स्केल की सहायता से यह रेखा खींच रहे हैं। उसी रेखा पर हम उसे मोड़ रहे हैं। इस प्रकार दूसरी ओर से भी हमें 1 इंच से यह कागज मोड़ना है और अच्छी तरह दबा लेना है।
जोड़े हुए भाग को थोड़ा अंदर की ओर दबाकर फिर से एक और मोड़ उसी भाग पर हमें बनाना है और उसे अच्छी तरह दबा लेना है। देखिए इस प्रकार यह ऐसे एक मोड़ हमें दिखाई देगा। दूसरी ओर से भी हमें इसी प्रकार थोड़ा सा कागज अंदर दबाकर एक और मोड़ बनाना है और उसे अच्छी तरह दबाना है। देखिए इस प्रकार दोनों ओर मोड़ बन गए हैं। देखिए अब इसे हम गोंद की सहायता से चिपकाएंगे। सभी मोड़ों पर हमें अच्छी तरह से गोंद लगाना है जिसके कारण हमारे थैली की मजबूती बनी रहे। अच्छी तरह से सभी भागों पर गोंद लगाएं और इसे सही ढंग से चिपकाएं। देखिए चिपकाने के बाद यहाँ थोड़ा सा दबाएं जिसके कारण यह अच्छी तरह चिपक जाएगा। दूसरे भाग को भी यहाँ अच्छी तरह से लगाइए और ऊपर से दबाइए। इसे अच्छी तरह चिपका लिया है। अगर कहीं थोड़ा गोंद लगाना आप भूल गए या छूट गया हो तो फिर से आप इसे अच्छी तरह से लगा सकते हैं। आगे अब हमें डोरी का उपयोग करना है। हमारी थैली को और आकर्षक बनाने के लिए हम इसके ऊपर स्केच पेन से कुछ चित्र बना सकते हैं, रंगीन कागज या कांच भी लगा सकते हैं और लेस भी चिपका सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो डिज़ाइनर टेप होता है उसका उपयोग किया है जिसे हम इसे आकर्षक बना सकते हैं, इसे आप आसानी से चिपका सकते हैं और अपनी थैली को आकर्षक बना सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से गोंद लगाने की ज़रूरत नहीं। अतिरिक्त भाग है इसे हम कैंची से काट देते हैं। अगर यहाँ पर थोड़ा कट लगा देंगे आप तो ये आसानी से खुल जाएगा। अब हमारी थैली डोरी लगाने के लिए तैयार है। अब हम इस पर
थोड़ा छेद बनाकर इसमें ये डोरी पिरोएंगे। दोनों तरफ ये डोरी लगानी है। इस डोरी में नुकीले तार लगे हुए हैं जिसके कारण यह आसानी से अंदर जा सकती है। ये लग गया। इसी तरह दूसरे साइड से भी हम यह डोरी लगाएंगे। चाहे तो कैंची की सहायता से भी कागज में छेद बनाकर उसमें डोरी पिरो सकते हैं। यहाँ कैंची का उपयोग कर रहे हैं जिससे आसानी से यह डोरी उसमें भी लग गई है और हमारी थैली लगभग तैयार है। देखिए हम कागज की थैली बना सकते हैं और उसका उपयोग हम हमारी पाठशाला के काम में और सजाने वट करने में भी ले सकते हैं। देखिए इस प्रकार हम अलग अलग कागज का उपयोग कर यह थैली बना सकते हैं।